नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठर। विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ की बैठक संयोजक अमित थारवानी ने संजय पैलेस में बुलाई, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की एवं विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ की कार्यकारिणी को विस्तार दिया गया। संयोजक अमित थारवानी ने फुटपाथ व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश खिलवानी से महत्वपूर्ण तीन विषयों पर उनकी पूरी टीम को जागरूक किया। पहला मुख्य उद्देश्य वैक्सीनेशन करवाना, लोगों से संपर्क कर सूची तैयार करना। दूसरा मुख्य उद्देश्य स्वच्छ रीवा के अभियान में व्यापार कर रहे फुटपाथ पर ठेले पर व्यापार करने वाले, जिसमें फुल्की चाट, डोसा, समोसा, चाउमीन, बर्गर इत्यादि उपयोग में आने वाले डिस्पोजल चम्मच, कटोरी, प्लेट, थाली अपने आसपास गंदगी न फैलाने के लिए जागरूक किया और अपने पास एक डस्टबिन रखने और कचरा डस्टबिन सुरक्षित रखें और रात के समय जाते समय मानस भवन के बगल में कचरे खाने में फेंक कर जाएं। तीसरा मुख्य उद्देश्य ऐसे फुटपाथ और ठेला व्यापारी मास्क लगाकर स्वयं सजग रहें, औरों को भी सजग करते रहें। विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई एवं उन्होंने संकल्प लिया, अब से हम इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर दृढ़ संकल्प लिया, हम सभी फुटपाथ एवं ठेला व्यापारी को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। बैठक में विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ के संयोजक अमित थारवानी, राजेश खिलवानी, अंकित गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, रामचरित साहू, राजा चौरसिया, राजकुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, श्रीराम गुप्ता, राजू विश्वकर्मा, शिवम साकेत, अखिलेश गुप्ता, विजय चौरसिया, विक्की सोंधिया, अशोक झाम्बानी, श्रीराम गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आज एक विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तीन मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए बैठक ली गई है, जिसमें फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले और ठेला व्यापारियों को बुलाया गया है। यहाँ पे बैठक के मुख्य तीन उद्देश्य थे। सबसे पहला, वैक्सीनेशन को लेकर जो भी छोटे स्तर पे काफ़ी भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करना, सूची तैयार कर उन सभी को वैक्सीन लगवाना, जिनको नहीं लगवानी है किसी कारणवश वो भ्रम में है तो उनसे हम मिल के उनको समझाएंगे और वैक्सीनेशन करवाना है। दूसरा उद्देश्य था स्वच्छ रीवा के अभियान के तहत साफ़ सफाई को लेकर, जैसे इनके द्वारा व्यापार में चाट, फुल्की, समोसा, बर्गर इत्यादि में यूज आने वाले कटोरी, चम्मच, प्लेट, थाली आती हैं तो उसको एक डस्टबिन में एकत्रित कर अपने पास स्थान पर रखें। व्यापार बंद करते समय, जाते समय, जैसे कि मानस भवन में कचरा घर बना हुआ है वहाँ पे फेंक के जाएं, रास्ते में न फैलाएं। क्या होता है कि अधिकतर वहाँ पे छोड़ के जाने के बाद गाय भैंसें आती हैं उसको खाने के लिए, और कचरा फैलता भी है और प्लास्टिक उनके लिए हानिकारक भी है। तीसरा उद्देश्य था ऐसे व्यापार में हम स्वयं सजग रहें, हमें स्वयं को मास्क जरूर लगाना है और लोगों को प्रेरित भी करना है मास्क लगाएं। इस संबंध में विंध्य फुटपाथ व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश खिलवानी इन सभी बातों पर चर्चा की गई कि अपने टीम को निर्देश दें और इसमें पूरा सहयोग कर समाज से जुड़कर काम करें। मेरा नाम अमित थारवानी। अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जिन लोगों ने नहीं लगवाई उसकी सूची आज हमारे पास कुछ लोगों की आई है, उन लोगों के साथ पहुँच कर हम उनको जागरूक करेंगे, जो उनके मन में भ्रम है वो दूर करेंगे। शिविर जैसे जिला प्रशासन द्वारा कई जगह वार्ड बाई वार्ड पोलिंग बूथ, वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं और हर जगह लग रही, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समस्या है तो पास में भी लगवा सकता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं।